हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नाम तो भी उत्तम अपने वचन नू अहमियत दिती है। और यकूब 2:10 विच लिखिया, जे कोई सारी शरा दी पालना करे एक गल भुल जावे सबना विचों। यूहन्ना 8 दे विच उहदी 31-32 विच लिखिया, जे तुसी ठीक मेरे वचन ते खलोते हो तो मेरे चेले हो। यीशु मसीह ने वचन नू अहमियत दिती है। परमेश्वर ने भी वचन नू अहमियत दिती है। आदि विच भी वचन ही सी, वचन बोलता ही परमेश्वर पूरा हुंदा सी। अज इंसान वचन नू अहमियत नहीं दिंदा, वो कलाम नू सिर्फ नॉर्मल समझदा है। जदों ऐब दा संदूक दाऊद लैके आ रहा सी, संदूक दे विच की सीगा? वचन सी, टांगा सी मूसा दा, हरून दी छड़ी सी, मन्ना सी विच। वो वचन दे सामने नाच रहा है, वचन मेरे अज भवन दे विच आया। पर साडे लोग वचन दे टाइम आलसी हो जांदे आ। ये वचन ही है यीशु मसीह। यीशु मसीह दा कोई आकार नहीं आ, वो निरंकार आ, ओदी कोई सूरत नहीं आ। यीशु मसीह दी कोई छवि नहीं आ, कोई सूरत नहीं आ, वो तां शब्द आ। दाऊद कहिंदा, मैं तेरे वचन नू अपने मन विच, ते तुही अपने मन विच की करना मैं वचन। वचन जदों जमा हो गया तो कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। वचन नू समझो, खुदा दे कलाम दे विच देखो। ये क्रिसमस सानू क्यों मनाउणा पिया? पहला कोई इहदी प्लानिंग नहीं सी क्रिसमस दी। क्रिसमस दी पहला कोई भी प्लानिंग नहीं सी। मैं बाइबल दे अकॉर्डिंग गल कर रहा हां। ये क्रिसमस सानू क्यों मनाउणा पिया? असीं खुदा दे कलाम चो देखांगे इहदा परपस, इहदा मकसद कित्थों शुरू होया। जदों उत्पत्ति दी किताब असीं पढ़दे हां, उहदा 3 भाग, उहदी 13 आयत पढ़ो पत्रस जी। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3:13। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी नू आख्या, ता एक ही कीता। तीवी ने आख्या कि सब ने मैनू परमाया, ता मैं खादा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहंदा, ए तू की कीता? मेरे अल ध्यान करो, परमेश्वर ने हवा नू की किया? ए तू की कीता? ते हवा ने की कीता? फल खादा। केड़ा फल? पाप दा फल। केड़ा फल? पाप दा फल खादा। परमेश्वर ने उत्थे भी वचन ही कहा सी। की कहा सी उन्हां नू? वचन दिता है। की वचन सी? फल नहीं खाना। जिद्दन खाऊंगे की हो जाऊंगे? मर जाऊंगे। मर कलाम नू थोड़ा ध्यान नाल समझना। हौली हौली ट्रैक ते गड्डी आउणी आ। तुसीं कहना पास्टर जी ये पहला भी बहुत रही, पर नहीं, इहनू समझो, ये हौली हौली गड्डी ट्रैक ते आउणी आ कलाम दी। परमेश्वर ने हवा नू ते आदम नू हुक्म दिता भी बाग दे विचकार जिहड़ा फल आ तुसीं नहीं खाणा। ते सप जिहड़ा सारे जानवरां विचों की सीगा? बाइबल च लिखा है चलाक सीगा। की सीगा? चलाक सीगा। जिहड़े रेंगण वाले आ उहनां विचों की सीगा? ओह चलाक। ते शैतान किहड़े लोकां नू इस्तेमाल करदा? थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ नाल, चलाक लोगों को इस्तेमाल करता वा। हालेलुया। एक छोटी जी चीज़ दसदा, परमेश्वर ने जदों आदम ते हवा नू बनाया, जदों सब पंछी जानवर हरेक चीज़ बनाती, परमेश्वर ने कहा भी तू सारे दे उत्ते की करूँगा? राज करूँगा। जदों सारे दे उत्ते कहा राज करूँगा, उहदे राज दे विच शैतान भी आउंदा सी। हालेलुया। कलाम नू समझना ध्यान नाल। जदों परमेश्वर ने आदम नू कहा धरती दे उत्ते जो कुछ बणिया, जो कुछ भी धरती दे उत्ते आ, तू सारे दे उत्ते की करूँगा? ते शैतान नू कित्थे सुट्टिया सी? धरती दे उत्ते शैतान नू कित्थे सुट्टिया सी? जदों पहला उत्पत्ति दा पहला भाग दी पहली आयत पढ़दे आ, दूसरी आयत च पहली आयत दे विच कई सालां दा गैप आ, हजार सालां दा की आ विच गैप आ। जदों धरती बेडोल हो गई, शैतान भी धरती दे उत्ते सिट्टिया, परमेश्वर ने कहा आओ आपां अपने स्वरूप दे उत्ते एक अपने वर्गा की बनाईए, मनुख बनाईए। की बनाईए? परमेश्वर मनुख नू की करदा सी? प्यार करदा सी। की करदा सी? प्यार करदा सी।
परमेश्वर ने आदम नू अपने स्वरूप दे उत्ते बनाया। परमेश्वर ने आदम नू अपने स्वरूप दे उत्ते बनाया। जो परमेश्वर ने उन्हें कहता भी तू हुण राज करूंगा हरेक जानवर ते पशी पंछी ते पानी विच जिहड़े जमीन दे उत्ते आ हरेक दे उत्ते की करूंगा तू राज करूंगा। ते ओहदे विच शैतान भी आया भी शैतान ने कहा भी हुण ये बंदा मेरे उत्ते की करूंगा। तुसी समझना इस कलाम नू थोड़ा ध्यान मेरे वल ध्यान करो जिहड़े पिछे आ मेरे वल ध्यान करो सारे जने डिस्टर्बेंस छड़ दिओ। जदों अज असीं यीशु मसीह दे विच चलदे आ पास्टर साहब प्रभु ने सानूं अधिकार दिता जां नहीं दिता वैरी दी सारी शक्ति उत्ते ते इहदा मतलब की असीं शैतान दे उत्ते की करदे आ राज करदे आ। हालेलुया कलाम बड़ा अच्छा वा जे तुसीं सुनन वाले आ जे समझना वा ये बड़े भेत है इस कलाम दे तुसीं पहलां कदी नहीं सुनिया होगा क्योंकि मैं हर बारी क्रिसमस उत्ते नवीं चीज़ नवा कलाम सुनाउंदा वा रिपीट तुहानूं कदी नहीं मिलेगा ते मैं चाहुंदा तुसीं ये मौका ना गवा लिओ। हालेलुया परमेश्वर ने स्टार्टिंग दे विच कहा भी तू राज करूंगा हरेक चीज़ दे उत्ते। शैतान नूं इस चीज़ तो घिणना आई आ भी ये बंदा मेरे ते राज करूंगा। मैं तो कई फरिश्तियां दे उत्ते राज करन वाला सी भी अज ये बंदा मेरे ते राज करूंगा। शैतान सीधा बंदे नाल गल नहीं सी कर सकदा। शैतान सीधा शैतान आ वो स्पिरिचुअल आ स्पिरिचुअल दा भाव ए नहीं वी और रूहानी रूहानी नहीं मतलब ही वो आत्मा वा की आ वो आत्मा वा आत्मक बीज आ वो ओनू आदम ते हवा नाल गल करन दे लई शरीर चाहिदा सी की चाहिदा सी ते उहने देखिया भी जंगल दे विच अदन दे बाग दे विच पूरी दुनिया दे विच कोई वी गल कर सका पर उन्हें जो देखिया भी सब सारे जानवरां विचों की आ। हालेलुया सब सारे जानवरां विचों की आ ते उन्हें जाके पता की कहा सब नूं कहिंदा भी मैनूं तेरी की चाहिदी आ बॉडी चाहिदी आ की चाहिदी आ बॉडी चाहिदी आ भी मैं जाके गल करनी आदम ते हवा दे नाल। हालेलुया हालेलुया कलाम दी समझ आ रही आ बॉडी ली उन्हें सप्प की की ली आ। मैं दसना चाहना सप्प शैतान नहीं आ ते शैतान सप्प नहीं आ ते जे सप्प उस टाइम खोते च आ जाता जे उस टाइम गधा सारे जानवरों नालों चलाक हुंदा ते शैतान ने फिर कितों जाना सी गधे तो। गल नूं समझ रहे हो मेरी नूं उन्हें सप्प नूं इसलिए चुनिया क्योंकि सप्प की सीगा चलाक कलैवर सी एक्टिव ज्यादा जदों उहदी बॉडी नूं इस्तेमाल कीता जाके हवा नूं मिलिया किहनूं मिलिया जाके हवा नूं मिलिया। हवा नूं कहिंदा कि सचमुच प्रभु ने तुहानूं इहदे खाण तों की कीता वा मना कीता कि सचमुच प्रभु ने तुहानूं इह फल खाण तों मना कीता। उह कहिंदी प्रभु ने कहा सारे फलां दे विच्चों खा सकदे आ पर जिहड़ा आ वा इह तुसीं नहीं खा उह फल च गुनाह नहीं आ। गुनाह किहड़ी चीज़ विच आ परमेश्वर दे हुक्म तोड़न दे विच। हालेलुया फल गुनाह नहीं आ फल गुनाह नहीं आ। जे फल गुनाह वाला हुंदा परमेश्वर ने लाउणा नहीं सी बाग विच। गल नूं समझो ध्यान नाल ओ फल सी भले ते बुरे दी पछाण करन वाला। बाइबल च पाप दा फल नहीं लिखा होया भी ओ पाप वाला दरख्त सीगा ओ लिखा होया भले ते बुरे दी पछाण करन वाला सी ते दूजा होर फल सी उत्थे जीवन दा। हालेलुया शैतान किन्ना क्लेवर आ ओए भी कह ही सकदा ही जीवन दे फल तो खाला ते बाइबल च लिखा प्रभु ने कहा भी किते ए ना होवे भी आदम हाथ वधा के जीवन दे वृक्ष तो खा लवे सारी जिंदगी लई की हो जावे अमर हो जावे की हो जावे अमर हो जावे मरे ही ना किते अमर
ओनर हो जावे। शैतान वह भी खिलवा सकता है पर उन्हें वह नहीं, उन्हें वह खवाया जिहड़ा परमेश्वर ने की किया होया सी, मना किया है, मना किया है। इहदे पिछे प्लैनिंग आ, परमेश्वर यह नहीं चाहते भी अं भौंदू बने रहिए, परमेश्वर चाहता ही इंसान आदम मेरी मर्जी मुताबक चले। हालेलुया। जिदा जे पति चाहता पत्नी मेरी मर्जी मुताबक चले, बच्चे मेरी मर्जी के मुताबक चलन। परमेश्वर ने तो वचन दिता हुआ सी, वचन की सी, फल बोलो, फल नहीं खाना। तो शैतान की कहता फल की कहता, उन्हें प्लैन की किया, सप की बॉडी ने इस्तेमाल करके कहता जदों तुसी ये फल खाओगे किहदे अरगे बन जाओगे, परमेश्वर वर्गे बन जाओगे। फिर बने परमेश्वर वर्गे, बने जदों फल खा लिया वो डरे, की हो गया वो डरे आ। हुक्म तोड़न दे नाल तुहाडी जिंदगी च डर आउंदा, हुक्म तोड़न दे नाल तुहाडी जिंदगी च डर आउंदा वा। जदों हुक्म टुटदा वह पाप आ, हुक्म टुटन नूं पाप कहा गया वा। जिहड़ा बाइबल दे कलाम तो बाहर आ वह पाप करदा वा, चाहे वह नशा ना करदा होवे, चाहे वह किसी कुड़ी बुड़ी नाल गलबात ना होवे, चाहे वह कोई गाल मंदा ना कटे। जिहड़ा बंदा खुदा दे कलाम तो बाहर आ वह की करदा वा, जिन्ना मर्जी धर्मी है जो खुदा का हुक्म ही नहीं मानता तो की करता वा, पाप करता वा। वो परमेश्वर के वचन तो बाहर आ, खुदा के हुक्म तो बाहर आ। हुण सुनो थोड़ा जिहा ध्यान नाल, परमेश्वर ने फिर इत्थे आके की क्या, आदम तू किथे आ? कि परमेश्वर जानी जान नहीं आ? बोलो, परमेश्वर तो हरेक चीज बारे पता भी कि चीज कि परमेश्वर आदम का पता नहीं भी आदम लुकया होया, पर आदम पाप दे विच सी। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए उन्होंने कहा भी आदम तू, आदम की कहता परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, डर गया। जो तुम गुनाह करते हैं पाप करते हैं हुक्म तो बाहर चलते हैं ताडे अंदर डर आ जाता, की आ जाता साढ़े अंदर डर आ जाता। तो डर कदों लगता जो असी गलती की होंगी, जो असी की कीती है घर वाली ने कोई गलती की हो तो घर वाले तो किन्ना डरती है, नहीं कितने सोनू के पापे को पता ना लग जाए मैनू बोलूगा बहुत। जो गलती नहीं की फिर कोई डर भी नहीं लगता, इसलिए आदम डर रहा ही क्योंकि उन्हें हुक्म तोड़िया। हालेलुया। मैं तुहानू सुना रहा भी क्रिसमस क्यों मनाउणा पिया, शुरुआत कित्थों होई आ। तुहानू पता परमेश्वर ने एक गल कही सी, जदों तू फल खाऊंगा उदण ही तू पढ़ दिओ पत्रस जी उत्पत्ति की किताब, तीसरा पाठ उदी तैन तो शुरू करो। पर जेड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है, हुण ध्यान नाल सुनना पूरा कलाम, पर जेड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उसके फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसी ना खाओ ना उन्हों हाथ लाओ अजिहा ना होवे कि तुसी मर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जदों तुसी फल खाओगे की हो जाओगे। हुण कलाम ध्यान नाल सुनो, थोड़ा जिहा स्टोरी बन लगी है प्रभु दे कलाम दी अच्छी, तुहाडे तुहानू सिखण नू कुछ मिलूगा। आदम तां मरिया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम आ। कलाम च लिखा यूहन्ना 3:16 विच परमेश्वर ने जगत नाल की कीता प्यार, ते परमेश्वर आदम नाल की करदा ही प्यार करदा ही, इसलिए आदम नूं मार नहीं सी सकदा। सुनो ध्यान नाल, फिर परमेश्वर पवित्र आ ते परमेश्वर आदम नूं कोल रख नहीं सी सकदा। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर न्यायी आ। परमेश्वर की आ न्यायी आ, जो खुदा ने कहता ओनू करना ही पैना। परमेश्वर ने कहा
सकता वो पवित्र नहीं है। मैं की हां पवित्र हां ऐतां बहुत है। पहला पत्रस पांच भाग दे विच की कहंदा, पहला पत्रस पांच भाग पहले भाग दी 15 विच लिखा मैं पवित्र तुसी की बनो पवित्र बनो। फिर परमेश्वर 3:16 विच कहंदा यूहन्ना विच मैं संसार नु इस जगत नु की कीता प्यार कीता। स्टोरी समझो कलाम नु समझो। बाग विच कोई मरिया क्रिसमस दी प्लानिंग होगी बाग विच। क्रिसमस दी प्लानिंग किथे होगी बाग दे विच। फल किने खादा आदम ने हवा ने। परमेश्वर कहंदा तू की कर दित्ता है। क्यों किया परमेश्वर ने हवा नु तू ए की कीता तानू तो इना प्यार कीता। मैं परमेश्वर कहंदा अपने हत्थां नाल बनाया जानवर नु परमेश्वर ने पंछी नु जुबान नाल पर सानू अपने जड़ी चीज तुसीं हत्थ नाल बनाउंदे हो प्यार नाल बनाउंदे हो। हालेलुया हालेलुया। कलाम बड़ा अच्छा वा समझो भेद नु। क्रिसमस क्यों मनाउणा पिया क्रिसमस दी प्लानिंग कित्थों शुरू होई। बाग दे जदों फल खा लिया ना परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाओगे उस दिन की हो जाओगे रूहानी तरीके ना तो मरिया ही मरिया वो तो जलाल चला गया। पर वो दूजे तरीके ना सुनो जिहड़ी मौत सी वो भी होनी सी। पर आदम तो 930 साल जींदा रहा बाग विच कोई मरिया जदों उन्हें फल खाता बाग विच कोई मरिया। पर्दे दे पिछे कुछ होया जदों आदम ते हवा ने की खाता फल खाता। तुहानू पता अज असीं जन्मदिन की खुशी मनाउने आ पहला परमेश्वर कह लो जां मनुख कह लो धरती ते इदां दा होया जिहनू अपनी मौत दे बारे पता सी। हालेलुया। ताडे च कोई इदां दा हैगा जिहड़ा जम्मिया होवे तुहानू मौत दा पता होवे? कोई है इदां दा भी ताडे च जिहड़ा जम्मिया होवे तुहानू मौत दा पता होवे मैं इन्ने साल बाद मर जाणा? कोई है इदां दा? पर यीशु मसीह पैदा ही मरण दे लई होया सीगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह पैदा ही मरण वास्ते होए। बोलो यशाया नबी ने तो पहले ही भविष्यवाणी करती सी 53 भाग च 700 साल पहले की करती यशाया नबी ने भविष्यवाणी करती ही मरण दी। घोड़े मारे जाणगे साडे लई कुछ लिया जाऊगा रुख उत्ते टंगिया जाऊगा। हालेलुया। हुण फिर होने उत्थे परमेश्वर करदा सी सानू प्यार। जगत ना की कीता परमेश्वर ने आदम ना की कीता परमेश्वर ने जिन्हां ना प्यार करदे होईए फिर ओनू आपां सजा भी नहीं दिंदे। कहिंदे छड्ड यार कोई नहीं गलती करती कोई गल नहीं। परमेश्वर करदा ही आदम नाल प्यार इसलिए ओनू मार नहीं सी सकदा ते ओनू कोल रख भी क्यों। परमेश्वर की आ ते आदम की हो गया आप पवित्र की करता उन्ने पाप करता क्योंकि पहला परमेश्वर आदम दे नाल ही रहिंदा सी दोनों गल्लां बातां करदे सी ना कट्ठे सी ना दोनों। ते तीसरा परमेश्वर की आ न्यायी आ ते न्याय करन लगे परमेश्वर पक्षपात। कलाम च लिखा होया परमेश्वर कहिंदा मैं सदा परमेश्वर इक्को जिहा परमेश्वर अज कल ते जुगो जुगे इक्को जिहा ही। फिर परमेश्वर न्याय दे विच किसे दा वी पक्षपात नहीं करदा। ये तीन कानून परमेश्वर दे पक्के आ प्रेम पवित्रता ही ते न्याय। हालेलुया। हुण इत्थे प्लानिंग कीती परमेश्वर ने की प्लानिंग कीती आदम नूं मैं मार नहीं सकदा इहनूं मैं प्यार करदा इहनूं कोल रख नहीं सकदा इहने पाप कीता मैं पवित्र आ इह अपवित्र आ इसलिए इहनूं बाग चों कढ़दा पर न्याय मैं करना। फिर परमेश्वर ने कहा आदम दी थां मैं अपने बेटे नूं मारूंगा अपने बेटे नूं भेजूंगा भी जो आदम ने गलती कीती वो मेरे बेटे नूं सजा मिलूगी उहदी। हालेलुया हालेलुया। क्रिसमस की प्लानिंग की है क्रिसमस की भी गलती जिहड़ी आदम ने कर दी जिन्हों मैं प्यार कर दिता करदा वा ओदी सजा हुण कौन खाऊगा ओदी सजा कौन लऊगा मेरा बेटा। परमेश्वर कहिंदा मेरा बेटा। कोई है इदां दा भी गलती भी मैं करा ते सजा ढाडा बच्चा लेवे? कोई है इदां दा? अगले कहते जे गलती इन्हें की सजा भी इनू दियो। पर परमेश्वर का प्यार देखो मेरे भैनों ते भरावो क्रिसमस की प्लानिंग आदम के बाग च की होगी शुरू होगी। हालेलुया। क्रिसमस की प्लानिंग कह लो गुड फ्राइडे कह लो प्रभु की
मौत जिहड़ी ना यीशु मसीह दी उत्थे लिखी गई सी अदन दे बाग दे विच ही भी तेनू हुण आदम दी जगह ते तेनू मरना पैणा वा। हालेलुया। तो जिहड़े बंदे ने हुण मरना उहनू जन्म भी लैणा। हालेलुया। यीशु मसीह सिद्धा भी आ सकदा ही आत्मा दे द्वारा पर नहीं क्योंकि पाप शरीर दे विच होया पाप शरीर दे विच होया ते सजा भी शरीर नू लैणी पैणी इसलिए यीशु मसीह शब्द शरीर दे विच आया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह का नाम की। हालेलुया। आद विच शब्द सी शब्द परमेश्वर देव ते शब्दी। हालेलुया। फिर हुण जिहड़ी सजा शरीर ने जिहड़ा पाप कीता फिर उह शरीर दे विच ही आउणा पैणा सी शब्द नूं इसलिए वचन नूं शरीर चाहीदा सी जिस तरह सराज सप्प नूं इस्तेमाल कीता शैतान ने आदम दे नाल गल करन लई हवा नाल गल करन लई शैतान नूं की चाहीदा सी बोलो की चाहीदा सी ते परमेश्वर नूं भी की चाहीदा सी संसार दे विच आउण दे लई आदम नू हवा नू सानू छुटकारा देन दे लई परमेश्वर नू भी की चाहिदा सी। गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कलाम पहला सुनया है कदी इदां दा? जे सुनया तो मैनू दस दिओ फिर मैं होर सुना दिंदा। सच्ची कहन दिया मैं होर सुना दिंदा। मैं जसकरन के ना जदों मीटिंग करन गया पास्टर जसकरन के उह तां मीटिंग मैं कलाम कुछ तैयार कीता होया मैं सारी रात दुआ करके कलाम तैयार कर रहे कद जदों उत्थे जाके ना स्टेज ते खड़ा होया मैं खा बंद करके दुआ कीती मैं कहा प्रभु जी मेरी होठां ते मेरी जुबान ते हुण तेरा मसा आवे तेरा अभिषेक आवे तुसीं बोलो मैं ना बोला। कलाम ही बदल गया। की बदल गया? कलाम ही बदल गया। हालेलुया। गल समझदे हो मेरी नूं भी मैं तैयार कुछ कीता प्रभु मेरे तो कुछ कहण दे तू आ सुना उत्थे सारा कलाम ही चेंज हो गया ते कलाम चेंज दे होण दे नाल किन्ने लोकां ने उत्थे निजात पाई है लोकां दा जीवन बदल गया छे छे साल तो जिहड़े मसीह सी उत्थे। परमेश्वर नूं वचन नूं शरीर चाहीदा सी की चाहीदा सीगा सजा जिहड़ी सानू मिलनी सी वचन शब्द धरती दे उत्ते देहधारी मरियम नूं चुनिया उहने। हालेलुया। हालेलुया। पिछली वारी मैं कलाम सुनाया ही मरियम नूं ही क्यों चुनिया क्योंकि मरियम की सीगी पवित्र सी। हालेलुया। हालेलुया। ते परमेश्वर नूं किहड़े लोक चाहीदे आ पवित्र लोक किहड़े लोक चाहीदे आ पवित्र क्योंकि परमेश्वर की कहिंदा पहला पत्रस पहला भाग दी 15 च जिस तरह मैं पवित्र आ तुसीं भी की बण जाओ इसलिए मरियम ने चुनिया। ते यीशु मसीह बाइबल दे विच सुनियो और डॉक्टरी लैन दे विच भी दस दवां जदों भी घर विच बच्चा पैदा होना उहदा जिहड़ा डीएनए होऊ उहदे बाप नाल रलूगा किहदे नाल रलूगा बाप नाल। हालेलुया। बाप ना जां मां ना ते यीशु मसीह दा ना तो बाप नाल रलिया ना मां नाल रलिया यीशु मसीह दा डीएनए परमेश्वर नाल मिलदा सी शुद्ध लहू सी उह किहड़ा लहू सी यीशु मसीह दा क्योंकि पाप वाला लहू बहुत बहाया गया उत्पत्ति तो लैके मत्ती तक बहुत लहू बहाया गया कट्टियां दा वशियां दा नर बली चढ़ाई गई किसी दे लहू नाल छुटकारा नहीं मिलिया पर सिवाए यीशु मसीह दे जदों यीशु मसीह दा लहू चढ़ाया गया ते छुटकारा आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह लई धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 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 आदम नू परमेश्वर की करदा सी पर आदम नू परमेश्वर रख क्यों क्योंकि परमेश्वर की आ पवित्र है ते आदम की सी आप पवित्र हो गया हुक्म तोड़ता पर परमेश्वर न्याई दा सच्चा परमेश्वर आ न्याय करन विच की आ सच्चा परमेश्वर आ वो किसे दा पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने देखो किड्डी प्लैनिंग कीती गलती भैन जी ने कीती होवे भाई साहब ने कीती होवे ते सजा कोई आके कहे बे जी मैनू फांसी दे दिओ भवें इन्हें कतल कर दिता कोई गल नहीं फांसी मैनू दे दिओ जज भी कहूगा वो यार बंदा इन्हें मारिया सबूत सारे ओहदे नां ते बोलन दे फिंगरप्रिंट ओह पाई दिया तू क्यों सजा लैन लगा तू क्यों फांसी
ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀਕਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲਣਾ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਲਾਮ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ 7 ਭਾਗ ਦੇ 14 ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਮਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਦੇਗਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਆਦਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰਵੇ ਦੂਰ ਰਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਦਮ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਮੋਨਿਕਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਜੋਇਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੋਇਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆਦਮ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਵੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੋਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ ਇਹਦੀ 7 ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਭਾਗ ਤਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ? ਵੈਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੱਪ ਨਾਲ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਗਵਾਂਢਣ ਨਾਲ ਨੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਵੀ ਸੱਸਾ ਸੱਪ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੀਗੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ। ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਫੇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਆ? ਬੋਲੋ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਆ? ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਿੱਚ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਵੈਰ। ਵੈਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ? ਫੇਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਮਾਰੂੰਗਾ? ਡੰਗ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਜਾਤ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਟਸ ਫਿਨਿਸ਼, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਮੀਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਕਲਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਡੀ ਪਾਪ, ਬਲੱਡ ਪਾਪ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ
फेरी यीशु मसीह ते परमेश्वर ने केदे तो निगाह फेरी पाप तो फेरी निगाह हालेलुया। सीजन दा रीजन देखो ये क्रिसमस दे पिछे किड्डी जबरदस्त प्लानिंग है परमेश्वर दी किन्नी खुदा दी वड्डी ब्लेसिंग है। यीशु मसीह साढ़े लिए सैक्रीफाई होने दे लिए आए बलिदान देने दे लिए आए भी असी मुक्ति निजात पा सकीए जिहड़ा सानू गुनाह पाप जिहड़ा असी अदन दे बाग विच कीता उहनू देखो पाप दा फल ते गर्व दा फल हालेलुया। एक पासे की शुरू होया पाप दा फल ते जिहड़ी मुक्ति आई आ गर्व दे फल द्वारा किहड़े फल दे द्वारा 127 जी पुत्र विच की लिखिया पेट दा फल की है एक इनाम है हालेलुया। यीशु मसीह इनाम बन के आया साढ़े लिए की बन के आया जिदा अज सरोपे दिते गए कोई आवे भैन भरा उन्हूं इनाम दिंदे नहीं आपां भी की है तुहाडे लिए ते परमेश्वर सानू इन्ना प्यार करता ही साढ़े लिए इनाम भेज दिता यीशु मसीह उन्होंने सानू तोहफा दिता तुहाडे लिए अज क्रिसमस ते तोहफा यीशु मसीह आ आमीन हालेलुया। साढ़े लिए तोहफा कौन आ हालेलुया जी यीशु मसीह ना आउंदे अज भी कदे विच होना सी पाप जोना ही परमेश्वर तो दूर होना ही साढ़े विच एक पर्दा होना सी पर्दे दे अंदर नहीं सी अही जा सकते पर जो तो यीशु मसीह आए वो साढ़े दे विचों जिहड़ा परमेश्वर विच पर्दा सी वो पर्दा की कर दिता हालेलुया हालेलुया। किड्डी जबरदस्त ब्लैसिंग है यीशु मसीह दी किड्डी वड्डी प्लैनिंग है खुदा दी इस क्रिसमस दे पिछे क्यों मनाउंदे आ असीं क्रिसमस इसलिए मनाने भी जिहड़ी मौत असी लैनी सी ਉਹ ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ हालेलुया। किड्डी जबरदस्त प्लानिंग है परमेश्वर दी क्रिसमस कितों शुरू हो गया दसो अदन दे बाग दे विचों क्रिसमस शुरू हो गया परमेश्वर ने आदम नू नहीं मारिया किनू मारिया अपने बेटे नू बेटे ने कुर्बानी दी है परमेश्वर ने अपने बेटे नू साडे लई कुर्बान करता क्योंकि आदम नू की करदा है परमेश्वर तुहानू की करता परमेश्वर प्यार करता वा ते परमेश्वर दा प्यार दा करके अज असी मुक्ति पाई आ हालेलुया। उस प्यार दा करके असी अज मुक्ति पाई आ जिन्ने भी मेरे भरा अज भी नशे विच आ पाप विच आ गुनाह विच आ देखो परमेश्वर ने एक वारी अपने बेटे नू साडे लई भेज दिता बार बार यीशु मसीह ने नहीं आउणा अज तौबा करिए खुदा दे नाल प्रोमिस करिए भी प्रभु जी तुसी अपने वायदे दे पक्के परमेश्वर आ तुसी अपने बेटे नू साडे लई भेजिया ते असी भी वायदा करदे आ जिस तरह तुसी सानू प्यार दिखाया मैं भी अपनी जिंदगी तुहाडे नाम कर देनी आ अज तो प्रभु जी मैं वफादारी नाल चलांगा कोई नशा नहीं करांगा सेवा च वधांगा प्रार्थना च वधांगा और तुहाडे नाम नू उच्चा करांगा हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਵੀ ਆਦਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਆਦਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੜਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਕੰਨ ਲਾਤਾ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਪਲਟਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ
आ जानी मिनट विच जिसम सी पावर भी पूरी आ पर पावर का इस्तेमाल क्योंकि उन्होंने पता भी मैं किदा करके आया इतने किदा करके साढ़े करके आए तो यसुम सिंह जिहड़ा चुटकी मारदा सी यसुम सिंह बोलते ही चार दिन का लाजर बाहर आ जाता सी कि यसुम सिंह उसे सारी दुनिया तो बाहर नहीं सी कर सकते परमेश्वर नहीं सी कर सकते पर यसुम सिंह ने कहा पिता इन्हों की कर दे मार भी साढ़े लिए खांड है साढ़े लिए मार खांड है तो मारन भी असी डे हाँ मार भी साढ़े लिए खांड है तो मारन भी असी डे हाँ तो प्रभु फिर कह दे पिता इन्हों की कर दे ए नहीं जानते ए जेड़ा बंदा कलाम नहीं है ना जानता कलाम नहीं पढ़ता कलाम तो बाहर आ वो अज परमेश्वर नू मारदा ये मेरी गल सुनो ध्यान नाल परमेश्वर चाहता भी मनुख मेरे वचन दे विच रहे परमेश्वर चाहता भी आदम असी सारे लोग कादे विच रहिए वचन दे विच तो जो अं वचन नू तोड़ते हैं तो असी परमेश्वर नू असी यसुम सिंह नू तो यसुम सिंह फिर कहता पिता इन्हों की कर दे अज कई क्रिसमस के उत्ते आके भी कई ने हुक्म तोड़िया होगा कई अज भी नशा करते हो चर्च में भी आए आ नशा करते हो कई ने जाके शराब पीनी कई ने बीयर पीनी कई ने बीड़िया सिगरटा पीनिया बाहर अंदर जा जाके अज भी यसुम सिंह नू मारन डे आ पर मैं चाहना ना असी तौबा करिए परमेश्वर नू कहिए प्रभु जी तुसी पहले ही सानू बहुत प्यार करदे आ अज साडी वारी है तुहानू प्यार करन दी मैं नशा छड्डन जा रहा अज तो प्रभु जी मैं व्यभिचार छड्डन जा रहा अज तो गुनाह छड्डन जा रहा अज तो मैं चोरी झूठ हरामकारी फेरा फेरी छड्डन जा रहा अज तो मैं भी तुहानू प्यार करांगा जिस तरह तुसी सानू प्यार कीता तारीफ करो यीशु मसीह दे लई धन्यवाद यीशु धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुहानू आशीष ते बरकत देवे आमीन जिन्हें भी ऑनलाइन देखते हो खुदा तुहानू बहुत बरकत और आशीष देवे और मेरे वालों मेरे परिवार वालों तुहानू सारयां नू यीशु मसीह दे जन्मदिन दीआं बहुत बहुत मुबारकां हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर नवें साल दीआं भी तुहानू बहुत मुबारकां और मिलदे हां ऐतवार नू परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच आमीन।